असली साजिशकर्ता स्वयं मुख्यमंत्री की पड़ोस में बैठे हैं, साजिशकर्ता उनके मन में है। मुख्यमंत्री भाजपा जजपा सरकार ही असली साजिशकर्ता है, जिसकी वजह से नू मेवात के अंदर, मानेसर में, बादशाहपुर में, सोना में, गुड़गावा में ये पूरी हिंसा हुई है। एसपी को क्यों बदल दिया गया, पुलिस की डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं हुई, रैपिड एक्शन फोर्स क्यों नहीं बुलाई गई, दूसरी तरफ पत्थरबाजी करने वाले लोगों को क्यों इकट्ठा होने दिया। सरकार ने पहले हरियाणा को जातीय हिंसा में धकेला और अब धार्मिक उन्माद में धकेल कर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। शुक्रिया। हमारे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये उनसे बात करते हैं। रणदीप जी, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि 111 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और शांति की अपील कर रहे हो। असली साजिशकर्ता स्वयं मुख्यमंत्री की पड़ोस में बैठे हैं, साजिशकर्ता उनके मन में है। मुख्यमंत्री भाजपा जजपा सरकार ही असली साजिशकर्ता है, जिसकी वजह से नू मेवात के अंदर, मानेसर में, बादशाहपुर में, सोना में, गुड़गावा में ये पूरी हिंसा हुई है। और इसके लिए कई प्रमाण मौजूद हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले से थी, दंगाओं का कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मोनू मानेसर जो एक कुख्यात बदमाश फरार है, जो हत्यारा है, उसको गृह मंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं। उसने बाकायदा सोशल मीडिया प्रोवोकेटिव पोस्ट जारी की, कहा वो जाएगा, उसके समर्थक जाएंगे और वो खूब दंगा करेंगे। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? नू के एसपी को क्यों बदल दिया गया? पुलिस की डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं हुई? रैपिड एक्शन फोर्स क्यों नहीं बुलाई गई? दूसरी तरफ पत्थरबाजी करने वाले लोगों को क्यों इकट्ठा होने दिया और हिंसा को क्यों फैलने दिया? क्यों मस्जिदें जलाई जा रही हैं? क्यों दुकानें जलाई जा रही हैं? क्यों हिंदू मुसलमान का फसाद हो रहा है? इसके पीछे राजनीतिक रोटियां सेकना ही इकलौता कारण है, जो खट्टर सरकार ने पहले हरियाणा को जातीय हिंसा में धकेला और अब धार्मिक उन्माद में धकेल कर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा पर अपनी राय देते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली।